जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिले के शहरी व नगरी क्षेत्र में किया शुक्रवार रात्रि से सोमवार सुबह तक का लॉकडाउन। जिले के नीमच, मनासा, जावत, सिंगोली, रतनगढ़, सरवानिया महाराज, डिक्केन, नयागांव, जिरन, कुकड़ेश्वर, रामपुरा में रहेगा लॉकडाउन। शासन ने आदेश ही कर दिया है, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। ये नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने नीमच सहित प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों का किया वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण। कार्यक्रम में सर्वप्रथम नीमच की मीनाक्षी धाकड़ से किया संवाद और उनके द्वारा बनाया जा रहा है प्रोडक्ट की ली जानकारी। आने के बाद क्या उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है? सर, दो तरीके होते हैं, एक रोहनी का है, एक प्रोसेसिंग करके होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके जो सारे गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ मैं रोहनी पे वर्क करती हूँ। तो जो उसके मूल गुण है उसको समाप्त किए बिना आप उसको ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं? जी बिल्कुल। कुल प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई होगी? सर, 25 लाख का मेरा लोन हुआ है और 5 लाख खुद की निवेश पूंजी है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय में स्थित कोविड सेंटर और नीमच सिटी में पीली कोठी पर बनाए गए अस्थायी कारागार का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उद्योग विभाग हेतु आरक्षित भूमि को आवंटन को लेकर बामनवाली और चैनपुरा के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। आबादी क्षेत्र को छोड़कर किया जाए उद्योग विभाग की भूमि का आवंटन। आम आदमी पार्टी ने ग्राम पंचायत बामनबरडी को लेकर सौंपा ज्ञापन। चैनपुरा एवं बामनबरडी के आबादी क्षेत्र का उद्योग विभाग को आवंटित नहीं करने की करी मांग। नीमच कृषि उपज मंडी में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मंडी प्रशासन को बैठक में बीते दिनों SDM ने दिए थे गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश, उसके बावजूद नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सब्जी और फ्रूट मंडी में व्यापारी उड़ा रहे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। प्रशासन द्वारा लगातार अपील करने के बाद भी नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन।